आज हम प्रश्नावली 5.2 के तीसरे प्रश्न से प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। तो तीसरा प्रश्न आपको दिया है, निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। तो ये सारणी में इधर आपको रंग दिए हैं, रंगों के नाम दिए हैं और सामने उन्हें पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या दी है। नीचे आपको टोटल योग दिया है 36। तो हमें यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि प्रत्येक तिथि खंड का अनुपातिक भाग ज्ञात करते हुए हमें जो है संगत कोण ज्ञात करना है। जैसे यहाँ दिया है 18/36। 18/36 कैसे हुआ? नीले रंग के सामने व्यक्तियों की संख्या को हमने कुल योग से भाग दिया तो हमें 1/2 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार जब हमने हरे रंग के सामने व्यक्तियों की संख्या 9 को 36 से भाग दिया तो हमें 1/4 प्राप्त हुआ। तो ये क्या है? अनुपातिक भाग है और इसकी सहायता से हमें संगत कोण ज्ञात करना है। तो तीसरे प्रश्न में हमें रंगों के नाम और उनके सामने व्यक्तियों की संख्या दी थी, तो हमें इसके लिए अनुपातिक भाग ज्ञात करना था और साथ ही केंद्रीय कोण ज्ञात करना था। तो हमने प्रत्येक संख्या रंग के सामने जो व्यक्तियों की संख्या है उसको 36 से भाग देते हुए इस प्रकार से यहाँ पर अनुपातिक भागों को दिखाया है कि हम जब इनको हल करेंगे तो हमें इसका सरलतम रूप प्राप्त होगा। जैसे 18/36 है तो 18 × 18 = 36 यानी 1/2 मान आए। 9/36 है तो 9 से भाग देंगे ऊपर नीचे, 9 × 9 = 36। 6/36 है तो 6 × 6 = 36। और 3/36 है तो 3 से हम 36 भाग देते हैं तो 12 बार जाता है, 12×3 = 36। तो 3 × 3 और 36 में भाग दिया तो 12 बार गया तो 1/12 हमें प्राप्त हुआ। तो अब इन्हीं अनुपातिक भागों को हम क्या करेंगे, जो हमारा केंद्रीय कोण होता है, टोटल केंद्रीय कोण कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है, उससे गुणा करते हैं तो हमें प्रत्येक रंग के लिए केंद्रीय कोण प्राप्त हो जाएगा। तो 2 से हम 360 में भाग देंगे तो हमें कितना प्राप्त होता है? 360 का आधा 180। और 4 से 360 में भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 90 डिग्री। 6 से भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 60 डिग्री। और 12 से भाग देंगे तो प्राप्त होगा 30 डिग्री। 12×3 = 36 होता है। तो इस प्रकार हमें प्रत्येक रंग के लिए केंद्रीय कोण का मान प्राप्त हो गया है और इन्हीं केंद्रीय कोणों को हमें पाई चार्ट में दर्शाना है। इन आंकड़ों के लिए पाई चार्ट खींचना है। तो हमने यहाँ पर एक पाई चार्ट खींचा है। तो हमें जैसे नीला रंग जो दिया था, तो नीला रंग का हमारा केंद्रीय कोण आया था 180। इसके पश्चात दूसरा हमारा रंग था हरा रंग। हरा रंग के लिए केंद्रीय कोण का मान आया 90 डिग्री। तो यहाँ हमने दर्शाया है 90 डिग्री। इनको दर्शाते कैसे हैं? सबसे पहले आपने गोला खींचना है किसी भी रेडियस का और उसके बाद आपने जो उसका केंद्र है, केंद्र से आपने सबसे पहला कोण लेना है। तो 180 डिग्री का कोण आपको पता होता है स्ट्रेट लाइन जाती है, तो केंद्र से हमने स्ट्रेट लाइन खींच ली तो ये नीचे का पूरा कोण 180 डिग्री का हो गया। अब ऊपर बचे हुए हिस्से आधे हिस्से में हमें बाकी के तीन कोण दिखाने, 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो हमने इसी आधार रेखा पर 90 डिग्री का कोण खींचा जो हरे रंग के लिए केंद्रीय कोण था। अब लाल रंग के लिए हमारा 60 डिग्री है, तो हमने इधर को जो बचा हुआ पोर्शन है उसमें चांदी का मध्य लाइन है उसको, मध्य बिंदु को यहाँ पर रखा और यहाँ से हमने काउंटिंग शुरू करी। तो हमें 30 डिग्री पर जो है पहला कोण प्राप्त हुआ है पीले रंग के लिए और बाकी जो हमारा शेष बच गया वो हमारा लाल रंग का केंद्रीय कोण था। तो इस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 3 के लिए पाई चार्ट की रचना करना सीखा। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। इसके पश्चात चौथा प्रश्न है, संलग्न पाई चार्ट, ये जो पाई चार्ट आपको दिया हुआ है ये एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विषय और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपको टोटल अंक दिए हैं और आपसे जो है ये पाई चार्ट के आधार पर आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा है कि किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। अब आपको जो ये पाई चार्ट दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला पाई चार्ट, तो इसमें आपको क्या दिया है, जो सारे विषय हैं उनका कोण दर्शाया गया है कि जो पाई चार्ट है उसमें कितने प्रतिशत का कोण जो है किस विषय के लिए बनाया गया है केंद्रीय कोण। तो हमें अंक यहाँ से पता नहीं चल रहे हैं, तो यहाँ संकेत हमें दिया गया है कि 540 अंकों के लिए जो पूरा है केंद्रीय कोण वो कितना है, 360 डिग्री। यानी पूरा जो आपका गोला यहाँ पर है, पूरा कोण है, वो कितने अंकों के लिए है, उसके द्वारा प्राप्त कुल अंक 540 के लिए है। तो 105 अंकों के लिए क्या केंद्रीय कोण होगा ये हमें निकालना है। तो हमें 540 अंकों के लिए टोटल जो केंद्रीय कोण दिया था, क्योंकि टोटल 540 अंक है और उनके लिए टोटल केंद्रीय कोण कितना है 360 डिग्री। तो अगर हमें एक अंक के लिए निकालना है तो हम क्या करेंगे, 540 को 1/2 में ले लेंगे अर्थात हम 360 को 540 से भाग देंगे। तो 360 डिग्री / 540। अब हम 105 अंकों के लिए केंद्रीय कोण ज्ञात कर सकते हैं, हम एक अंक की जो वैल्यू है केंद्रीय कोण की उसको गुणा कर लेंगे किससे, 105 से। तो गुणा करने पर
और हल करने पर हमें प्राप्त हुआ केंद्रीय कोण का मान 70 डिग्री। तो 70 डिग्री जो केंद्रीय कोण है वो चित्र में दिया गया है हिंदी विषय के लिए, अर्थात हम कह सकते हैं कि उस विद्यार्थी ने हिंदी विषय में 105 अंक प्राप्त किए। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। इसी के सेकंड क्वेश्चन है, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अंक अधिक प्राप्त किए। तो हमें जो है पाई चार्ट की मदद से ही जो गणित और हिंदी हैं दोनों के अंक निकालने हैं और फिर उनको उनका अंतर बताना है। दूसरे प्रश्न में हमें गणित और हिंदी विषय के अंकों का अंतर बताना था। तो हमने देखा यहाँ पे कि पूरा जो केंद्रीय कोण है 360 डिग्री वो किसके लिए है, 540 अंकों के लिए है। तो यदि हम 1 डिग्री के लिए अंकों का मान निकालना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, 360 को बट्टे में ले लेंगे, यानी 540 में हम भाग देंगे 360 से, तो हमें जो आंसर आएगा उतने अंक होंगे 1 डिग्री के लिए। तो गणित विषय के लिए केंद्रीय कोण का मान कितना दिया था, 90 डिग्री दिया था। तो 90 डिग्री कितने अंकों के बराबर, इसलिए हम क्या करेंगे 1 डिग्री की वैल्यू 540 बटे 360 को 90 से गुणा करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 135। यानी गणित विषय के जो अंक हैं 90 डिग्री जो केंद्रीय कोण दिया है वो किसको दर्शा रहा है, 135 अंकों को दर्शा रहा है। तो हिंदी विषय के अंक आपने देखे थे कितने प्राप्त थे, 105। तो गणित विषय के 135 हैं, तो गणित में ज़्यादा है, कितने ज़्यादा हैं इसके लिए हम 135 से 105 को घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है 30 अंक। यानी गणित विषय में अंक जो हैं हिंदी से 30 अंक अधिक हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न। इसके पश्चात तीसरी स्थिति हमें दी है, जाँच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग हिंदी और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। तो यहाँ पे आपको जो विषय दिए हैं, जोड़ा आपको पहला जोड़ा दिया है सामाजिक विज्ञान और गणित का, तो आप यहाँ पे सामाजिक विज्ञान और गणित जो है इनके, क्योंकि इन संकेत आपको दिया है केवल केंद्रीय कोणों पे हमें ध्यान देना है, तो आप इन दोनों के केंद्रीय कोणों को जोड़ लेंगे। और इसके पश्चात जो दूसरा जोड़ा दिया है विज्ञान और हिंदी के भी केंद्रीय कोणों को हम आपस में जोड़ लेंगे, तो हम उसके बाद ये देखेंगे कि किसका योग अधिक है। सामाजिक विज्ञान और गणित विषय के केंद्रीय कोणों को जब हमने जोड़ा तो सामाजिक विज्ञान का केंद्रीय कोण था 65 डिग्री और गणित का था 90 डिग्री, दोनों का योग आया 155 डिग्री। इसी प्रकार विज्ञान और हिंदी विषय के केंद्रीय कोणों को जोड़ने पर विज्ञान के 80 डिग्री और हिंदी विषय के 70 डिग्री के केंद्रीय कोण को जोड़ने पर हमें प्राप्त हुआ 150 डिग्री। तो हम क्लियरली देख रहे हैं कि 155 जो है वो 150 से बड़ा है, अर्थात हम लिख सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.2 के तीसरे और चौथे प्रश्न को हल करना सीखा। उम्मीद है आपको हल समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।